बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हॉप सर्कस पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद, विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, ब्लॉक व जिला कांग्रेस पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध रैली का आयोजन किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जरूरी वस्तुओं पर बड़ी कीमतों ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया। गांव और शहर में हर जगह महंगाई, बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। चारों ओर भ्रष्टाचार है। खाद्य पदार्थों पर लगने वाली जीएसटी, देश की सुरक्षा के खिलाफ आयोजित अग्निवीर की भर्ती, देश की बड़ी एजेंसी ईडी सीबीआई को मनमाने तरीके से संचालित करने के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मिश्रा ने बताया कि हॉप सर्कस से त्रिपोलिया, मालाखेड़ा बाजार, अशोका टाकिस से होते हुए लादिया गेट पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद कांग्रेस के सदस्य व रैली में उपस्थित लोगों ने गिरफ्तारियां दी। उन्होंने बताया, बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रही है, जबकि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर उनका कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस उनकी हिटलरशाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके विरोध स्वरूप आज विरोध रैली निकाली गई। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा आज हॉप सर्कस पर केंद्र सरकार की बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, जिस तरीके से केंद्र सरकार के निर्देश पर ईडी ने हमारे नेशनल हेराल्ड के यंग इंडिया दफ्तर को सीज किया है, और जीएसटी, अग्निवीरों की जो भर्ती, इस सब के विरोध में आज हॉफ सर्कस से बाजार बाजार होते हुए, त्रिपोलिया होते हुए, मालखेड़ा बाजार होते हुए, अशोक टॉकीज होते हुए और कचहरी रोड से लादिया गेट तक हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं। उसके बाद जिला कलेक्टर अलवर को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार से निवेदन है कि अब ये हिटलरशाही बंद करें, देश के बारे में सोचे। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलेगा। आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, जिसकी जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, डीजल 100-125 रुपए पार हो गया। आपने खाने की चीजों पर, अनाज पर, दही पर, दूध पर जीएसटी लगा दी, बच्चों की किताब कॉपी पर जीएसटी लगा दी। ये बहुत शर्म की बात है। देश के आर्थिक हालात चिंताजनक है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता जनार्दन से भी निवेदन करूं कि वो देश की पीड़ा को समझे और खुले रूप से केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अपना विरोध और प्रदर्शन करें। नहीं तो किसी राजा के खिलाफ जब अन्याय हो और जनता नहीं बोलती है, तो सबसे ज्यादा कष्ट जनता को सहन करना पड़ता है। मेरा तो आपसे निवेदन है।